कोई आर्किटेक्ट के रूप में, तो और कोई किसी किसी रूप में वहाँ प्लम्बर की भी जरूरत होती है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत होती है, वहाँ फ्लोरिंग करने वाले की भी जरूरत होती है। तो सर आज एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आगे? देखिए, सरकारी नौकरी देने के जो नियम थे वो सरल बनाए गए हैं, पारदर्शी भी बनाए गए हैं, और नियुक्ति पत्र देकर के रोजगार मेलों का आयोजन करने से ये जो पारदर्शी सिस्टम बना है इसको जनता भी देखती है, बहुत सी जगह लाइव भी होता है, आप लोग भी दिखाते हो, तो सिस्टम को पारदर्शी बनाना और सरल बनाना और ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे भी एग्ज़ाम देना, या जिनके एक पर्टिकुलर डिग्री में हाईएस्ट जिनके नंबर आते हैं, मेरिट होती है, उनका बिना एग्ज़ाम भी सिलेक्शन हो जाना, ये मोदी जी के इस कालखंड में संभव हुआ है। ये छठा रोजगार मेला था, मैंने यहाँ अजमेर में 88 लोगों को रोजगार दिया है, नियुक्ति पत्र दिया है मोदी जी के नेतृत्व में, और उनको जितने भी हमारे यहाँ एमपी साहब खड़े हैं, एमएलए साहब खड़े हैं, आज का जो ये आयोजन हुआ था, ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वाईएस यादव साहब भी चेयरमैन यहाँ खड़े हैं, इन सब के सहयोग से हुआ था। सर, ये रेट कार्ड और सेफ कार्ड के लिए अभी वो बता रहे थे मोदी साहब? नहीं, ये ठीक बात भी है। इसमें देखिए, मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भी नौकरी लगनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और समाज में भी ये प्रचलन में भी है कई जगह, लेकिन खुला और नंगा नाच होना कि एक जैसे होटल में मेनू होता है इस तरह से रेट कार्ड बना करके कहना कि सफाई कर्मी लगनी तो इतने पैसे लाओ, अगर बैंक में कोई बाबू लगना है जैसे कोऑपरेटिव बैंक जो उनके पास होता है, इतने पैसे लाओ, तो ये तो सरासर जो रेट कार्ड का है ये तो एकदम खुला भ्रष्टाचार है, इसको रोकना है, और ये जो सिस्टम है पारदर्शी इससे वो रुकेगा। इसलिए हम सेफ गार्ड के माध्यम से लोगों को रोज़गार देते हैं और वो रेट कार्ड के माध्यम से देते हैं। जनता अब रेट कार्ड को नकारेगी और सेफ गार्ड को स्वीकारेगी। प्रदेश में ईडी की एंट्री हुई है, चुनाव आ रहा है, ऐसा कहना? प्रदेश में कैसे ईडी, हमने थोड़ी बनाया ईडी, तो जब बना था तब कांग्रेस का ही शासन था ना, जहाँ जहाँ कोई गड़बड़ होती है ईडी की एंट्री होती रहती है। सर, अगर बात करें अजमेर 92 ब्लैकमेल कांड के ऊपर, एक पिक्चर बन रही है अजमेर के अंदर, तो उस पिक्चर का लगातार विरोध हो रहा है, कुछ बयान भी आए हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, जो बयान आया है ये सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। इस बयान की निंदा भी हम करते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। सर, महिला आयोग को पत्र लिखा उपमहापौर? हाँ लिखा है, लेकिन सरकार तुष्टिकरण की नीति में बिजी है ना, सरकार कुर्सी बचाने में बिजी है, कार्रवाई करनी चाहिए सरकार।